क्या गिरा? पोपट हो गया, हेलमेट खुल के गिर गया। थैंक यू भैया बैठ गया और हमें पता भी नहीं लगा। तो जी हम चल दिए SD एडवेंचर की टेस्ट ड्राइव लेने और SD का शोरूम ढूंढ रहे। थोड़ा सा गलत भटक गए थे और गर्मी तो भाई साहब तौबा तौबा, ऐसा लगा डॉगी पड़ा हुआ कपड़ा था लाल। हेलो एल, ठीक है ओके ले लेता हूँ। चलो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, हाँ इतना घूम लिए थोड़ा सा और पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल भी खत्म है। हो GoPro का सेटअप हमने लगाया, अब इस पर देखो कैसी आती है क्लैरिटी। मीडियम मोड भी खरीदा है। क्या गिरा? क्या खुल गया? उतर, तूने बांधा नहीं था? बांधा था, निकाला था ना। पोपट हो गया, हेलमेट खुल के गिर गया। थैंक यू भैया, थैंक यू भाई साहब। उसको बांधो ना अच्छे से। साइकिल वाले भैया अच्छे थे जिन्होंने उठा के दे दिया और किस्मत अच्छी थी, कोई स्पीड से नहीं आ रही थी, वरना यार दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हेलमेट फिट का होना बहुत ज़रूरी है, इसको कल दिया भी था, ये पता नहीं लूज वाला गलती से ले आई या क्या था मन में, बट एनीवेज गॉड ब्लेस हिम जिसने उसे हेलमेट उठा के रास्ते में दिया साइकिल पे। देखो नीयत इंसान की बढ़िया होनी चाहिए, बस आज की डेट में वही गड़बड़ हो रही है। करिए यहाँ से कुदा सकते हो, सारे उल्टे आइडिया ही दियो तो मुझे। हाँ चढ़ जाएगी बट वहाँ से नहीं कूद पाएगी ना, वहाँ से फंस गई। हाँ यहाँ चढ़ जाएगी। कल भाई मैंने खूब ऑफ रोड करी, धोला कुआं दिल्ली में इतना जाम था। इस क्रैम का तो मैंने मजाक बना दिया भाई साहब का, जो फुटपाथ दिखे वहीं चढ़ा दी। मतलब मेरे नोन 7-8 किलोमीटर 4.5 घंटे में पहुँचे कल धोला कुआं से। मेरे को भी 3 घंटे लग गए 1.5 घंटे वाले रास्ते में। चलो लेट्स गो। तो इसका ये वर्कशॉप है, पर आगे कहीं शोरूम होगा मुझे लगता है। यहाँ तो नहीं है, फ्रंट में शोरूम, बैक में वर्कशॉप पॉसिबल। ये रहा, चावा मर जावा। ये रही, ये लगा देते हैं। मैं तो इसे सजेस्ट कर रहा हूँ छोटी वाली ले ले, चला लेती है और पैरों का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये भी अच्छी है वैसे, लग तो अच्छी रही है ये, बट लेट्स गो इनसाइड। नई वाली एडवेंचर चला के देखते हैं। तो चला के आते हैं ये, जरा बैठो भैया, बैठ गए। अरे वाह, भोजन नहीं है ना हमारे, भैया बैठ गया और हमें पता भी नहीं लगा। चलो भाई ये तो अमेजिंग ही लग रही है, इस पे बैठ के ना ये मजा आ रहा है अपने उस पे और इस पे। इसका जो हैंडल का कंफर्ट है वो जबरदस्त है भाई, मतलब ये सच में वो बाइक है पूरा दिन चला सकते हैं जिसे। हवा है ना भैया टायर में, बढ़िया हल्की वो लगी मुझे जैसे। अल्ट्रा स्मूथ है यार ये तो, ये लो गड्ढों में भी ट्राई कर लो कैसे सस्पेंशन है, इससे भी निकाल लेते हैं। नाइस, फन है भाई। नॉट वो वाला फन। सीधा भैया, तो भाई सबको पता ही होगा ये 29.6 हॉर्स पावर है इसकी, 29.8 Nm का टॉर्क है इसके अंदर, और
क्योंकि मैं एक एडवेंचर बाइक चला ही रहा हूँ 411 सीसी, वो हिमालयन स्क्रैम, तो उसके मुकाबले ये मुझे मतलब लगा लो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, बहुत ज़्यादा। क्लच हो गया या आप कह लीजिए गियर हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। और गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी है इसकी, प्लस जो इसका हैंडल बार है ना, उसकी जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा बढ़िया लगी यार मुझे स्क्रैम से, जबकि मुझे लगता था स्क्रैम बहुत बढ़िया है, इसकी बढ़िया लगी मुझे तो। एक तरफ मैं सोच रहा हूँ कि वो ले लूँ BSA की 650 वाली, क्योंकि वो पल्लवी को दे देंगे पर वो आराम से चला पाएगी, और यहाँ ये चला के नहीं मेरा मन हो रहा वो लेने का, मुझे लग रहा है नहीं यही लूँगा। मज़ा आ रहा है यार, मतलब रियल एडवेंचर बाइक का फील दे रही है। और जो इसका ये पैनल है ना, ये बहुत अच्छा है इसका, ये जो व्यू आता है ना वीडियो में, मुझे पता नहीं कैसा आ रहा होगा, ठीक है भैया लेफ्ट, बट ये बहुत अच्छा है। उसमें वो बोरिंग हो जाता है स्क्रैम में, ओल्ड स्कूल है ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ये थोड़ा सा एस्थेटिक्स दिख रहे हैं इस बाइक के, अच्छा लग रहा है। बता देना भैया जब लेफ्ट हो। अब लो भाई गड्ढों से निकालते हैं, ये गहरा गड्ढा है, ये गई अंदर, वेरी नाइस, ये गई अंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको झटके तो नहीं लग रहे? नहीं। चलो भैया ने भी प्रूफ कर दिया सस्पेंशन बढ़िया है, मजेदार यार, मतलब पता नहीं बट कैसे बोलूं, स्मूथ लग रही है यार, एक होता है ना मक्खन लग रहा है, और वो हैवी लगती है चलाने में, ये उतनी हैवी नहीं लग रही, जबकि वेट इसका ज्यादा है उससे स्क्रैम से। कलर मैं सोच रहा था वो वुल्फ ग्रे आता है, वुल्फ ग्रे, बट ये वाइट देख के सामने तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा, मजा आ रहा है। अब पल्लवी को बिठा के चला रहे हैं हम, मैं कहा पल्लवी को बिठा के चला रहे हैं, पल्लवी को आगे चलाने के लिए नहीं थी। सेकंड राउंड हमारा ऐसी लग रही है ना, है ना, मैंने कहा ये रोड पे चलती हुई ऐसी लग रही है ना, नजर नहीं हट रही। और कलर ये कितना अच्छा लग रहा है, पल्लवी कह रही है बिल्कुल ठीक है, जब हम इंटरनेट पे कोई चीज देख रहे होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है और सामने से एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप भी जब आओ ना तो सामने से ही देखो, नेट पे मत वो करो विश्वास। ले भैया वापस ले लो आप, चलो आगे आगे बताओ कहाँ से जाना है। ये देख सस्पेंशन देख पहले, तू सारी बातें छोड़ ठीक है, ये ले गड्ढा एक और, जो इनिशियली इसका पिकअप वगैरह ना जो लास्ट वाली थी ओल्ड, उसमें पता लगता था कि भां भां, पहले गियर पे मजा ही नहीं आता था बाइक को उठाना, ऐसा लगता था पहला गियर दिया ही क्यों, उसमें दूसरे गियर से फील आता था उस गाड़ी में, दूसरे तीसरे, बट इस बाइक में फर्स्ट से ही आपको बहुत सही, जिसे कहते हैं ना मक्खन स्वाद आता है, मक्खन स्वाद। पैसे नहीं दोगे तो ऐसी चाबी ले लेंगे। हम ये डिसाइड कर रहे हैं स्क्रैम तो एक है ही, दूसरी भी एडवेंचर लेने से अच्छा है, इस पे तो ज़्यादा अच्छे पहुँच रहे हैं, हाँ इस पे पेरिस के ठीक पहुँच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एक 650 सीसी ले लेते हैं BSA वाले, इनकी अच्छी लग रही है वो भी मेरे को, एक दिल जा रहा है इस बाइक पे, एक दिल जा रहा है इस बाइक पे, ये तो अमेजिंग है भाई, ये तो मज़ा ही आ गया देख के इसको। और ये अपग्रेड के लिए सोच रहे हैं स्क्रैम तो है ही, अपग्रेड करें तो 650 पे करें फिर, और प्लस स्क्रैम पे जितने पैर पहुंच रहे हैं उतने ही इसके इस पे पहुंच रहे हैं, ये भी एक कंफ्यूजन है, व्हाट टू डू, एडवेंचर ना। तो यहाँ हम निकलते हैं, देख लिया हमने बाइक, अब घर जाके डिसाइड करते हैं क्या करना है BSA में 650 में और एडवेंचर में, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है।
बट जो भाई साहब एडवेंचर में स्मूथनेस होए 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 ओके भाई बाय बाय। तो जो इसको चलाने में एक ओल्ड स्कूल वाली वाइब आती है ना, एडवेंचर को चलाने में ऐसा था जैसे एकदम वो नहीं होता बटरी स्मूथ, वैसा एक्सपीरियंस था। इसको चलाने में एक वो आता है, मतलब अच्छी है, नो डाउट अच्छी है यार, इससे काफ़ी जगह घूम ली हम और अच्छी है, तभी हमने ली भी थी ये। बट कहते हैं ना कि एक बेटर वर्जन है इसका, वो सस्ते में, नहीं सस्ते में तो गलत बोल गया मैं, प्राइस तो सेम ही है, ये भी इतने की थी वो भी उतने की है, बट हाँ वो बेटर है। अगर अगर कोई अभी कंसीडर कर रहा है स्क्रैम को तो वो एक बार ज़रूर एडवेंचर चला कर देखे, उसका अलग ही वो था हिसाब किताब। चलते हैं घर, डिसाइड करते हैं और बताते हैं आपको हम क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कैसे है, क्या है, बड़ी कंफ्यूजन है, बट करेंगे सॉल्व इसको। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।